हेलो फ्रेंड्स, जिवें कि तुसी सोशल मीडिया के उपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखते हो, उस तरह अज असी भी सोशल मीडिया के उपर कुछ वीडियोज़ देख रहे सी। वीडियो देखते देखते असी मनीषा गुलाटी जी दियां वीडियो देखी, जिहड़े कनेडा के प्रेस रिपोर्टर ने उन्हां दियां गल्लां नूं भी सुनिया। उन्हां दियां वीडियोज़ देख के प्रेस रिपोर्टर्स दियां गल्लां सुन के सानू वधिया लग रहा है कि हाँ, जिहड़ा मनीषा गुलाटी काम कर रहे हैं बहुत वधिया काम है, वह सलांघा जो मनीषा गुलाटी की तरह ही जिहड़ी इह साडी संस्था है, यह एन जी ओ की तरह है, कैनेडा के लोगों के सहयोग के नाल यह इंडिया के चलाई जा रही है। असी मनीषा गुलाटी के राहों के उपर चलते हुए ही थोड़े नाल कुछ गल्लां दी कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि जेड़े भी लड़के या लड़कियां कनेडा के लोगों के वलों उन्होंने नाल धोखा किया गया है, वह सानू साडे पटियाला ऑफिस के आके मिल सकते हैं। तुहाडी प्रोफाइल पूरी देख के असी तुहाडी हर तरह की हैल्प करन की पूरी कोशिश करांगे, तुसी साडे ऑफिस जाके मिल सकते हो। तुसी ऑफिस आना चाहते हो तो ऑफिस का एड्रैस भी नोट कर सकते हो, C174 नियर टोयटा कार एजेंसी, फोकल पॉइंट पटियाला, क्योंकि असी तुहाडी प्रॉपर सारी हैल्प करांगे। जिहड़े इंडिया दे विच व्याहे हुए जोड़े ने अते ओह कनेडा दे विच पढ़ाई करन लई जाना चाहते ने, इकट्ठे जाना चाहते ने, तो उन्होंने अपनी फाइल लगाते समय कुछ गलतियां वो कर देंगे ने जिदे नाल उन्हों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो तुहानू मैं दसना चाहनी हाँ भी तुहानू कि गलतियां नहीं करनिया चाहिए अपनी फाइल लगाउण टाइम, अगर तुसी हसबैंड वाइफ दोनों ही कनेडा इकट्ठे जाना चाहते हो तो इन्हां गलतियां वल तुसी ध्यान देना है, तां कि जिहड़े बच्चे अगों फाइल लगाना चाहते ने वो ये गलतियां ना करन। सब तो पहला तो तुसी जो अपना लैटर ऑफ असैप्टेंस लेना है उस वेले अपना जो स्टेटस है वह हमेशा मैरिड ही शो करो, ये तो अलग ही बहुत जरूरी है। अते अपने हसबैंड ते वाइफ के सांझे खाते दे विच घट्टो घट 10 लाख रुपया तुसी जरूर दिखाउणा है। ये तुसी किसी नूं 10 लाख रुपया देना नहीं हुंदा, ये पैसे तुहाडे खाते दे विच होने जरूरी ने 10 लाख रुपया। ये तां दिखाया जांदा है कि जो तुसी कनेडा पहुँच जाते हो तो बाई चांस तुहानू उत्थे कैनेडा दे विच कोई जॉब नहीं मिलती, तो तुसी अपने खर्चे दे लई ये पैसे यूज कर सकते हो। ये पैसे तुहाडे अपने ने, ये 10 लाख रुपया तुसी किसी नूं देना नहीं हुंदा, ये तुसी जस्ट शो करना हुंदा है। जे तुहानू जॉब मिल जाती है कनेडा जाके, तुसी पार्ट टाइम जॉब करदे अपना खर्चा कढ सकदे हो, तो तुहाडे पैसे बचे रहणगे। बाई चांस कई बार किसी बच्चे जॉब नहीं मिलती उत्थे जाके, तो ये पैसे वह अपने खर्चे दे लई कढ़वा के खर्च सकदा है, तां करके 10 लाख रुपया शो करना जरूरी हुंदा है। पर इंडिया दे विच की है, लोग ब्याहां दे उपर तां लखां रुपये खर्च कर देंदे ने, पर हसबैंड वाइफ के सांझे खाते के 10 लाख रुपया शो नहीं करते, 10 लाख रुपया नहीं शो कर सकते। पर इतों की साबित हो जाता है, इतों साबित होंगे कि जिहड़ा यह विआह होया होया यह एक दिखावा है, ये असली विआह नहीं है। सो अगर मैरिज नूं जेन्युइन शो करना है, तुहाडी मैरिज असली होई हुई है, तो हसबैंड दे वाइफ दे सांझे खाते दे विच 10 लाख रुपया शो करना बहुत जरूरी है। तो ये तुसी जरूर शो करो अगर तुसी हसबैंड दे वाइफ दोनों इकट्ठे कनेडा विच पढ़ाई करन लई जाना चाहुंदे हो। जेकर तुहाडी स्टडी वीजे ते हसबैंड वाइफ तुसी इकट्ठे जा रहे हो, जां फिर कनेडा दे विच जिहड़ा कनेडा दा सिस्टम है वो अलाउ करता है कि कनेडा के तुसी किसी भी प्रमाणित इमीग्रेशन कंसलटेंट के कोलों भी तुसी अपनी फाइल लगवाओ। दोनों ने इकट्ठे जाना तुसी हसबैंड वाइफ ने, तो पहला पूरी घोख करो भी तुसी किसी वधिया कंसलटेंट के कोल जाओ जिहड़ा इमीग्रेशन कंसलटेंट कनेडा तो प्रमाणित हो, उस कंसलटेंट को जाके तुसी अपनी फाइल लगवाओ, ता कि तुहाडा पैसा बर्बाद ना होवे, तुहानू सही गाइडेंस मिल सके, तुहानू फ्यूचर दे विच किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पवे। ये बहुत जरूरी है, जिवें हर कोई चीज़ खरीदने लगे तुसी पूरी घोख करते हो कि हाँ असीं ये चीज़ खरीदनी है, पूरा देख पड़ताल के करते हो, तो वीज़ा लगवाउण वेले भी पहला देखो कि जिहड़े कंसलटेंट दे कोल तुसी फाइल लगवा रहे हो वह कनेडा दे वल्लों प्रमाणित है गया जां नहीं है, ता कि तुहानू इन फ्यूचर किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पवे। जो तुसी अपनी फाइल लगा रहे हो उहदे विच कदे भी कोई जाली डाकूमेंट ना लगाओ, जिन्ने डॉक्यूमेंट तुसी लगाने ने तुहाडे सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए ने, असली होने चाहिए ने।
क्योंकि बाई चांस तुहाडी फाइल दे विच कोई भी एक डाकूमेंट जाली फड़िया जाता है तां तुहाडी फाइल तां कैंसल होवेगी होवेगी, उहदे नाल तुहाडे ते 5 साल का बैन लग सकता है जो कि तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा, फिर तुसीं 5 साल लई कितें भी नहीं जा सकते। सो ये गलती कदे ना करो, किसी एजेंट के पिछे लग के जां किसी होर लोगों के पिछे लग के कदे भी जाली डॉक्यूमेंट ना लगाओ अपनी फाइल के, क्योंकि एक बार बैन लग जाता है तो 5 साल लई वह बैन कोई नहीं हटा सकता तुहाडे कोलों। सो ये गलती तुसीं कदे भी ना करो। मोस्टली अपने पंजाब दे विच काफ़ी वड्डे वड्डे शहर ने जिन्हां दे विच जिवें कि शहर लुधियाना हो गया, पटियाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इन्हां दे विच कनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट ने अपने ऑफिस खोले हुए ने, उन्हां कोल जा के तुसीं हैल्प लै सकदे हो, वधिया ढंग नाल फाइल लगाओ अपनी अते सही रस्ता बना के कनेडा जाके सैटल हो, तां कि तुहानूं 5 साल दे बैन का सामना ना करना पवे जां किसी होर तरह की मुश्किल का सामना ना करना पवे। सो अवेयर होवो, नैट तो सर्च करके तुसीं नॉलेज भी लै सकते हो, सारे वीजे बारे सारी नॉलेज मिल जाती है। सो ध्यान रखो, तो अगर तुसीं साडे ऑफिस दे विच कनेडा दे विच गल करना चाहते हो तो साडे कनेडा का नंबर नोट कर सकते हो 1604-765-5008, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तुसीं गलबात कर सकते हो अते किसी भी तरह की जानकारी लै सकते हो। ये कनेडा का नंबर है, कनेडा दे दिन दे टाइम तुसी इस नंबर ते फोन कर सकते हो अते जानकारी लै सकते हो। तो अगर इंडिया दे विच पटियाला दे विच तुसी गलबात करनी चाहते हो तो तुसी नंबर नोट कर सकते हो 9882-9500, इस नंबर ते कॉन्टैक्ट करके तुसी किसी भी तरह की जानकारी लैनी है तुसी लै सकते हो, क्योंकि असी तुहाडी हैल्प करने लई तैयार हाँ। असी चाहते हाँ कि तुहानू सही रस्ता मिले अते सही गाइडेंस लै के तुसी कनेडा जाके सैटल हो सको। होर ज़्यादा अपडेशन लैन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। थैंक यू।